इंटरनेशनल कम्युनिटी सारी की सारी मिडल ईस्ट में इंगेज है, और मैं चाहता हूं कि जरा आपसे बात की जाए, क्योंकि आपने बड़े फर्स्ट हैंड इन चीज़ों को देखा हुआ है, पर्टिकुलरली मिडल ईस्ट के इशू को, और हम क्योंकि फ़लस्तीन और कश्मीर के इशू को भी एक साथ में ला के मुस्लिम दुनिया वो इसी के प्लेटफॉर्म पर भी चलाती रही है। आप कैसे देखते हैं सर, पाकिस्तान के अंदर ऐसे लगता है कि फ़लस्तीन के इशू के हवाले से कोई इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं है? पहले माजी में शायद ज़्यादा हुआ करती थी, सियासी मजहबी जमातें जो थीं वो बड़ी एक्टिव थीं, बड़ा हुकूमत को प्रेशराइज़ किया करती थी, सड़कों पे आती थी, प्रेशर ग्रुप के तौर पे आती थी, और अभी आजकल हमें फ्राइडे का इंतज़ार करना पड़ता है इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने का। आप क्या देखते हैं, आप फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, आप एम्बेसडर भी रहे हैं, इस इशू को आपने पूरी दुनिया में इसके ऊपर बात भी हुई, आपकी लीडरशिप से भी दुनिया में बात हुई है, क्या पाकिस्तान में सपोर्ट कम होती जा रही है, मुस्लिम उम्मा में आप देख रहे हैं सपोर्ट कम होती जा रही है फ़लस्तीन के इशू के हवाले से? क्योंकि एट द सेम टाइम इस इशू के रिलेटेड जो कोई ग्रुप्स हैं ऐसे जिनको मिलिटेंट ग्रुप्स वेस्ट ने डिक्लेयर करार दे दिया है, तो और शायद मुस्लिम वर्ल्ड बैकफुट पे है, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट एम्बेसडर साहब? जी शुक्रिया चीमा साहब, मेरा अपना ये फीलिंग्स दूंगा कि बड़ा ही दुख हो रहा है कि इतना खून बह रहा है वहां पे इसराइल में, लेकिन गजा में तो उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है, और जो कोई वीडियोस मैं देखता हूँ जो वहाँ कोई जर्नलिस्ट हैं उनको मौका मिलता है कहीं से अपलोड करने का तो वो बीच में से करते हैं, तो दिल खराश हैं बहुत। तो उस लिहाज से फौरी सीज फायर की ज़रूरत है, खुदा करे कि सारी दुनिया उन पर इतना दबाव डाले इसराइल पे कि वो अब इसको सीज फायर करके, और ये जो उनकी एक रविश थी कि जी इसको मसले को हल नहीं हो करना, अब वो इसको हल के मतलब ज़रा ज़्यादा संजीदगी से सोचें। अच्छा, ये कहने के बाद मैं आपके सवाल की तरफ आना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान में या बाकी की दुनिया में अब कम इसके ऊपर तवज्जो है कि इसको हम किसी तरीके से फ़लस्तीनियों के गम में शरीक हों और उनके मुतालबे हक़ खुद इरादियत के मुतालबे के लिए काम करें, और क्यों इतना ज़्यादा नहीं देखा जा रहा जितना पहले हुआ करता था? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके तीन पहलू हैं, इन तीनों पहलुओं से इस मसले को देखना चाहिए। पहला तो इसका टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, क्योंकि इस एक ही जगह है जिसमें फ़लस्तीनी भी रहना चाहते हैं, इसराइली भी रहना चाहते हैं, और आपको याद होगा कि ज़्यादा तारीख में पीछे ना जाएं, ऑटोमन्स के दौर तक चले जाएं, तो यहाँ पे मुसलमान और ईसाई और यहूदी इकट्ठे रहा करते थे, रिपोर्ट्स ये हैं कि काफ़ी पुरअमन किस्म का उनका आपस में रहने का अंदाज था। फिर ये जंग अजीम अव्वल में जब तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया, और आपने देखा कि वहाँ तुर्की के अंदर भी अपनी एक मूवमेंट शुरू हो गई यंग टर्क्स की, तो उस वक्त ये बरतानिया के पास ये इलाका चला गया विक्टर विदाउट विक्टर्स, और फिर उन्होंने यूएन मैंडेट को दे दिया। लेकिन उससे पहले 1917 में इन्होंने बेलफोर डिक्लेरेशन में ऐलान किया कि यूरोप में चूंकि सारे यहूदियों को बड़ा मारा जा रहा है तो इनको उधर ला के आबाद करते हैं, और उन्होंने उनके लिए रास्ता खोला। यानी गोया इसराइल के जो मौजूदा बाशिंदे हैं उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो शुरू से यहाँ रह रहे थे, ज्यादातर लोग बाहर से आके आबादकार किए गए। तो ऐसे में जो पहले से आबाद थे, मुसलमान भी थे, उनमें कुछ ज्यूज भी थे, उनमें क्रिश्चियंस भी थे, वो उन लोगों का रास्ता जो है खसूसन मुसलमान फलस्तीनियों का और इवन ईसाई फलस्तीनियों का रास्ता बंद करते चले गए, और उनको बतदरीज दीवार के साथ लगा दिया गया। जंगें भी हुई हैं उसके बाद, 1948 में हुई, फिर 56 में हुई, 67 में हुई, 73 में हुई, लेकिन कोई इसराइल को शिकस्त ना हो सकी, क्योंकि इसराइल के पीछे पुश्त पनाही अमेरिका कर रहा था, उनका भी ये ख्याल था कि ये ज़ायनिस्ट स्टेट जो है यहाँ के यहूदियों के लिए होनी चाहिए। तो फलस्तीनी काफी मुश्किल में आ गए, क्योंकि इलाका उनका था और एकदम से बाहर से लोग आके आबाद हो गए, और करते करते उनको उनकी उनके अपने इलाके से उनको धकेल दिया बाहर, और फिर अरबों ने जो साथ दिया वो भी आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता उनका भी जज्बा मांद पड़ गया, क्योंकि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखने लग गए
चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो इसराइल इजिप्ट हो या कोई और अरब ममालिक हैं। और अब तो पिछले कुछ अरसे से तो ये नजर आ रहा था कि ये सारे के सारे अब इसराइल के साथ दोस्ती करना चाहते हैं और अब मौजूदा ग्राउंड रियलिटीज को इन्होंने मान लिया है। और चूंकि इसकी बहुत ज्यादा तरवीज हो गई और इसराइल ने भी इसका बड़ा चर्चा किया, तो फलस्तीनियों को और खुसूस हमास में गजा पट्टी में उनको ये एहसास हुआ कि शायद अब हमारा तो वो जो टू स्टेट सॉल्यूशन वाला भी प्रपोजल नहीं है, अब हम बिल्कुल इनकी ही जेरे सरप्रस्ती रहेंगे और बल्कि एक उनकी कैद में रहेंगे। तो आपने देखा कि हमास ने वो एक्शन लिया। तो ये एक टेरिटोरियल डायमेंशन है जो जिसकी बड़ी लंबी एक तारीख है। दूसरी इसकी आइडियोलॉजिकल डायमेंशन भी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, इसका कोई मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, मुसलमानों से लेना देना तो बन जाता है क्योंकि ये किबला अव्वल है। और आपको याद होगा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने भी क्रूसेड्स में उनके खिलाफ लड़ा और उसके बाद से भी पाकिस्तान समेत तमाम मुसलमान दुनिया उस किबला अव्वल को देखती है, मानती है। और वहां जब आग लगी थी तो 1969 में OIC वजूद में आई थी इसी के लिए। उसके बाद OIC ने बड़े रेजोल्यूशंस पास किए हैं। तो मुसलमान दुनिया पे एक ऑब्लिगेशन तो है फलस्तीनियों के मसले को हल करने के लिए, उसकी एक आइडियोलॉजिकल डायमेंशन तो है। और इसी वजह से पाकिस्तान में भी फलस्तीनियों की वजह से हमने कभी इसराइल को कबूल नहीं किया, तस्लीम नहीं किया। हमारा तो इसराइल के साथ कोई बराह रास्त झगड़ा तो कोई नहीं है इसराइल के साथ, उसकी अपनी रियासत है, इतनी दूर है हमसे। लेकिन खालिस्तन फलस्तीनियों के हकूक के लिए और जो इस्लाम का एक रिश्ता है मस्जिद अल-अक्सा के साथ, उसकी वजह से पाकिस्तानी हमेशा जोश खरोश में आगे रहे। लेकिन जब पाकिस्तानियों ने देखा कि खुद अरब उनके साथ दोस्ती कर रहे हैं और माहौल बदलता जा रहा है, तो जाहिर बात है पाकिस्तान में भी वो जोश जज्बा जो पहले हुआ करता वो अब थोड़ा मांद पड़ गया था। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों के दिल अभी भी फलस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। अभी भी बहुत सारे पाकिस्तानी ये महसूस करते हैं कि ये फलस्तीनियों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, उनको उनके हकूक नहीं दिए जा रहे, उनको जिंदा दरगोर किया जा रहा है, उनको एक कैद की शक्ल में रखा जा रहा है और उनको एक रियासत मिलनी चाहिए और उनके साथ खड़े होना चाहिए। तो ये अभी भी आप देखें कि ये आवाज पाकिस्तान से उठ रही है, उतनी शिद्दत से शायद नहीं उठी और उसकी मैंने आपको वजह उठा बता दी है। तीसरी जो डायमेंशन है वो इन दोनों से अहम है, यानी मैंने आपसे टेरिटोरियल डायमेंशन की बात की, मैंने आपसे आइडियोलॉजिकल डायमेंशन की बात की। अब मैं जो तीसरी डायमेंशन आपसे बात करने लगा हूँ वो है जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिकल डायमेंशन। ये खित्ता हमेशा से जियोपॉलिटिक्स का शिकार रहा है। आपको याद होगा कि पहले जब ये रोमन एम्पायर के पास था, फिर ये ऑटोमन्स के पास आ गया, फिर जिस तरह मैंने बताया कि ये जंग अजीम अव्वल के बाद ये ब्रिटेन के पास आ गया और फिर उन्होंने यहाँ पे आबादकार किए। और ब्रिटेन की तो जियोपॉलिटिक्स बड़ी शुरू से यही रही है कि कोई ऐसा सिलसिला शुरू कर दें जो बाद में हल ना हो सके और उसको UN के या किसी और के पास कर दें। लोग अक्सर मिसालें देते हैं 1947 की भी, कि उसमें भी यहूदियों बरतानिया के लोगों ने, बरतानवी साम्राज्य ने एक करदार अदा किया था डिवाइड एंड रूल का, वो हमेशा से करते रहे हैं और वो ऐसे कोई तनाजात छोड़ जाते हैं जिस तरह कश्मीर का तनाजा है, वो ऐसा छोड़ जाते हैं जो फिर बाद में रिसकता रहता है उसके अंदर से खून। तो वही कुछ उन्होंने वहां पे फलस्तीन में भी किया कि आबादकार ला दिए और पुराने लोगों को उस वक्त की, बाय द वे 1917 में एश्योरेंस दी गई थी कि जो रहने वाले हैं लोग उनको लोग पर कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब जब 1948 के बाद ये रियासत वजूद में आ गई तो उस वक्त से अमरीका ने इसके साथ बड़ी ही यानी कुर्बत दिखाई और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि अमेरिका के अंदर ज्यूइश लॉबी बड़ी मजबूत थी। उन्होंने तमाम हुकूमतों को ये कन्विंस किया कि इजराइल मजलूम है, ये सारे अरब उनके खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। तो जो उन्होंने इजराइल जो एक जालिम के तौर पर था फलस्तीनियों के लिए, वो एक मजलूम के तौर पर दिखाया जाने लगा कि जी अरब सारे उनसे उनके ऊपर जुल्म कर रहे। तो अमरीका की जो अपनी जियो पॉलिटिक्स है
उसमें भी हमें दिखाई देता है कि वो इसराइल का पल्ला भारी है, क्योंकि उनको मुकम्मल तौर पर पुष्ट पनाही है एक बड़ी ताकत की, जबकि फलस्तीन के लिए आवाजें तो हैं लेकिन उस तरह की उनको रसद बाहम नहीं पहुंचाई जा रही। आज मैं चीन के वजीर खारजा का बयान सुन रहा था, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कहा कि भाई उनको भी जिंदा रहने का हक है, लेकिन रूस हो गए, चीन हो गया, कुछ OIC, पाकिस्तान, कुछ अरब ममालिक, अभी तक तो आवाज की हद तक ही है। अमली तौर पर तो वो बिल्कुल इसराइल की बमबारी के रहमो करम पर हैं, और जब से ये इन्वेजन, ग्राउंड इन्वेजन की बात हो रही है, खुदा जाने कितनी तबाही ये वो लेकर आएंगे। तो इस वजह से मामला बहुत गंभीर हो गया है, और इसकी एक और जियोपॉलिटिकल पॉलिटिक्स में रहते हुए एक और साइड ये कि क्या ये जो है जंग है ये एक्सपेंड कर जाएगी या नहीं कर जाएगी, इस पे भी अगर आप चाहेंगे तो हम अपना तबसरा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, जंग के एक्सपैंड करने पे भी बातें हो रही हैं, लेकिन वैसे ये बताइएगा कि कहा जाता है कि जो फलस्तीनी है वो भी को पाकिस्तान के रिलेटेड जो कश्मीर का मसला है उसमें कुछ ज़्यादा हमारी सपोर्ट नहीं करते रहे, तो एक शायद पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट का सेक्शन है वो ये समझता है कि हम क्यों मदद करें। मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि जब यासिर अरफात पाकिस्तान आए मुशर्रफ के ज़माने में, तो उन्होंने ही डिडंट वॉन्ट टू स्पीक अबाउट कश्मीर, तो फिर पाकिस्तान ने भी सोचा, फिर मुशर्रफ के दौर में हमने जो है वो मिलना शुरू कर दिया इजरायली एक फॉरेन मिनिस्टर से, तब खुर्शीद कुसूरी साहब फॉरेन मिनिस्टर होते थे और उन्होंने उस वक्त मुलाकातें की। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान, और क्योंकि अरब वर्ल्ड ने ट्रांसफॉर्मेशन है वहाँ पे, तो उन्होंने जैसे आपने भी कहा कि उन्होंने OIC के रिलेटेड जितने इश्यूज थे फलस्तीन को भी इग्नोर कर दिया, कश्मीर को भी इग्नोर कर दिया, देन मिलिटेंट फैक्शंस ने चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया। सो ये ज़रा बताइएगा कि फलस्तीनी भी पाकिस्तान के रिलेटेड कश्मीर के मसले को इतनी लंबी चौड़ी सपोर्ट नहीं करते रहे, इसमें व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, जरा इस पे कोई कमेंट कर सकें प्लीज। जी देखिए, कश्मीर का मसला और फलस्तीन का मसला दोनों बड़े देरीना मसले हैं, अकवामे मुत्तहिदा की बुक्स पर हैं, और दोनों में बुनियादी चीज है हक़ खुद इरादियत। दोनों अंडर ऑक्यूपेशन हैं और दोनों चाहते हैं कि उनको ये हक दिया जाए कि वो अपनी तकदीर, अपना सियासी मुस्तकबिल खुद तरतीब दे सकें। और पाकिस्तान ने तो फलस्तीन के लिए अक़वामे मुत्तहिदा के फोरम पर, नॉन अलाइंट के फोरम पर और भी दुनिया के दीगर फोरम पर बहुत तकरीरें की, बहुत जोश और जज्बे से आगे बढ़े हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये कभी रेसिप्रोकेट नहीं हुआ, कभी उनकी तरफ से कश्मीर के मुसलमानों के लिए वो सपोर्ट नहीं आई जिसकी हम तवक्को ही करते रहे और साथ ही कश्मीरी लोग भी तवक्को करते थे। अब OIC में अलबत्ता कश्मीरियों के हकूक के लिए आवाज उठाई जाती है, लेकिन जब ये मामला ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाता है तो बहुत सारे OIC के जो मेंबर्स हैं वो हमारा साथ नहीं देते हैं। इसी तरह कई और बार मैं खुद भी नेगोशिएशंस में शरीक होता था, तो उस वक्त भी जब कोई पैलेस्टाइन पे पैरा होता था तो हम अक्सर कहते थे कि भाई चूंकि मसला हक़ खुद इरादियत का है तो आप कश्मीर का लफ्ज भी बीच में शामिल करें, लेकिन हमें वहां अरबों की तरफ से कोई रिलक्टेंस नजर आती थी। कुछ अरसा तो वो हमारा साथ देते रहे लेकिन बाद में उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि जैसे जैसे हिंदुस्तान अपनी इक्तसादी कुवत पकड़ता जा गया तैसे तैसे बहुत सारे अरब ममालिक चाहते थे कि हिंदुस्तान को नाराज ना करें, उनके साथ उनकी तजारत सरमायाकारी के ताल्लुकात थे, तो वो नहीं चाह रहे थे कि हम कश्मीर का मसले के ऊपर कोई आवाज उठाएं कि कहीं मुबादा हिंदुस्तान नाराज ना हो जाए। और आपको तो याद होगा कि जब OIC की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चंद साल पहले UAE में हुई, तो उन्होंने सुषमा स्वराज साहिबा जो उस वक्त वजीर खारजा थी हिंदुस्तान की, उनको बाकायदा बुला लिया। पाकिस्तान ने कहा कि भाई ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने तो अब उनको बुला लिया है। तो
ये आपकी बात सही है कि पाकिस्तान में भी इस बात की चुभन है कि ये एक तरफा मोहब्बत है, यानी पाकिस्तानियों की तरफ से तो फलस्तीन के लिए दिलो जान से हम आवाज उठाते हैं, लेकिन वहां से कभी भी हमारे लिए, हम कश्मीर के अवाम के लिए उस तरह आवाज नहीं उठी। उसके बावजूद पाकिस्तानी हमेशा उनका साथ देते रहे, आज तक दे रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो ये चीज जो है वो ज्यादा उभर के आती है। तो इसी वजह से आपने देखा कि उसका असर अब पड़ रहा है हमारे रिएक्शन में। बिल्कुल, उसमें क्योंकि जनरली जो पाकिस्तानी पब्लिक है, क्योंकि कल डॉन की जो मेजर स्टोरी थी उसमें यही लफ्ज था, हंड्रेड्स ज्वाइंट, हंड्रेड्स गैदर्ड अगेंस्ट इसराइल। तो इट मींस के पाकिस्तान जैसा मुल्क अमूमन बड़ा समझा जाता है। वैसे भी ये भी बात बताइएगा कि ये जो अरब वर्ल्ड के अंदर ये जो एक तासुर है कि हमें इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करनी है, इससे पाकिस्तान कितना को बाहर है इस फ्रेमवर्क से? क्योंकि जैसे तैसे हमने ओआईसी को बड़ी अहमियत दी, कश्मीर को अहमियत दी, पाकिस्तान का इवन कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक आर्टिकल 40 भी ये कहता है कि हमें मुस्लिम दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं और हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को इसके इर्द गिर्द रखते हैं, और ये हमारी वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन हमारी फॉरेन पॉलिसी का कि हमने उसको सऊदी अरब और बाकी ममालिक से रखना है। लेकिन ये जो अरब वर्ल्ड एक जा रही है इस नॉर्मलाइजेशन में और पाकिस्तान इससे बिल्कुल पीछे है, अगर फॉर एग्जांपल देखें हम कि सऊदी अरब, ईरान, टर्की सब बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान उस मसले से बिल्कुल बाहर है, लेकिन इसराइल से वो बात भी कर रहे हैं, हम बिल्कुल बाहर हैं। आप इस ट्रेंड को कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है वो इस ट्रेंड के हवाले से अपनी हुकूमत को जो है वो सजेस्ट कर चुका होगा कि इस हवाले से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें ये तब्दीली आनी चाहिए या ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए ताकि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सुप्रीम रख सकें, प्रोटेक्ट कर सकें? बिल्कुल सही आपने कहा, ये आज से नहीं, गुज़श्ता 20-22 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये आवाज उठती है कि इसराइल के साथ तो हमारा कोई बराह रास्त झगड़ा नहीं है, जबकि हिंदुस्तान जहाँ पे हमारी जंगें हो चुकी हैं वहाँ हमारी सफारतखाना मौजूद है, तो कोई वजह नहीं है कि हम इसराइल के साथ, ना सिर्फ कि हमारा सफारतखाना नहीं है बल्कि हमने अपने पासपोर्ट पर एक मोहर लगा रखी है कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जा सकते हैं मां सवाए इसराइल के। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इसकी वजह से इसराइल की जो लॉबी है अमेरिका में वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती है, इसराइल के जो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, बढ़ते हुए ताल्लुकात, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। बल्कि कुछ का ये ख्याल है कि कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर में, हिंदुस्तान तकरीबन वही कुछ करने जा रहा है जो इसराइल फलस्तीन में कर रहा है। तो ऐसे में ये एक नुक्ता नजर बड़ी कुवत पकड़ा कि भाई हम क्यों, हम इस अपना अपना इंटरेस्ट क्यों नहीं देख रहे और हमें उनको उनके साथ एंगेज करना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ और हमारे यहाँ ये नुक्ता नजर था कि हमने इतना अरसा फलस्तीनियों का साथ दिया है, हमें इस तरह उनको अबेंडन नहीं करना चाहिए, अगर कुछ अरब ममालिक करते भी हैं तो भी हम ना करें। और दूसरी और ये कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान की जो मजहबी कुवतें हैं वो ये समझती हैं कि वो एक किबला अव्वल होने के हवाले से पाकिस्तान को जरूर, पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है तो पाकिस्तान को जरूर बिल जरूर फलस्तीनियों के साथ खड़े होना चाहिए। तो ये दो नुकता हाय नजर चलते आ रहे हैं, बहुत सारी हुकूमतें पाकिस्तान में आई और गई लेकिन किसी ने भी इस मामले में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, क्योंकि मुझे ये शक है कि वो इसलिए नहीं उठाते थे कि कहीं ये जो हमारे मजहबी कुवतें हैं ये कहीं हुकूमत के खिलाफ कोई मुजाहरे ना करना शुरू कर दें और मसाइल हमारे लिए बढ़ जाएं, तो इसलिए उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया गया। अब हाल ही में जब अरबों ने उनके साथ अब्राहम अकॉर्ड, खसूसन अब्राहम अकॉर्ड करने के बाद से जब उन्होंने इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन का सिलसिला शुरू किया, तो ऐसे में पाकिस्तान में भी ये आवाज दोबारा उठी और ख्याल ये था कि अगर सऊदी अरब उनके साथ ये कर लेता है ताल्लुकात को नॉर्मलाइज, तो फिर कोई वजह नहीं रह जाएगी कि पाकिस्तान ना करे। पाकिस्तान ने हमेशा से ये मौकफ इख्तियार किया है कि यहाँ पे दो
रियासतें बननी चाहिए इसराइल और फलस्तीनी फलस्तीन की, और पाकिस्तान का ये ख्याल है कि जिस दिन ये चीज़ हो जाएगी हम दोनों रियासतों को फौरी तौर पर कबूल कर लेंगे, तस्लीम कर लेंगे। फलस्तीन को तो हम कर चुके हैं लेकिन इसराइल को भी कर लेंगे। और अभी जब ये सिलसिला चल रहा था तो काफ़ी गुमान गालिब था कि हम शायद उसी तरफ चल रहे हैं, लेकिन फिर यकायक ये हमस के हमले से वो जो अमन का अमल जो अरबों ने शुरू किया था इसराइल के साथ उसको भी एक बड़ा शदीद धचका लगा है। तो अब लगता ये है कि अभी कुछ देर और पाकिस्तान को भी इंतज़ार करना होगा, देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है और फिर हम अपने फैसले करेंगे। जी जी एम्बेसडर, बिल्कुल आपने सही कहा कि ऊंट किस करवट बैठता है और हम उस हवाले से जारी बात है वो अपने करेंगे। इतने दिन हो गए हैं कोई ओआईसी की मीटिंग नहीं हुई, यूएन भी नहीं बोल रहा, अरब लीग भी नहीं बोल रही, तो ये बेसिकली कई लोगों का कहना यह है कि इन अदर वर्ड दिस इज अ सपोर्ट टू इसराइल, के जो पहली डिप्लोमेटिक मूवमेंट शुरू की है वो तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने की है, वो इसराइल गए, वो मिडल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं, मुसलमान तो खामोश होकर बैठे हुए हैं, वो तो कह रहे हैं ठीक है मरना है तो मारो, ईरान कह रहे हैं हम सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी धड़े जो हैं वो साइड पे बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है ओआईसी हो, अरब लीग हो या जीसीसी हो, इनकी जो मुकम्मल खामोशी है, और अगर आपको याद हो एक हमने बनाया था इस्लामिक मिलिट्री अलायंस जिसमें हमारे साबिक आर्मी चीफ रहील शरीफ साहब आई थिंक उसको काफ़ी देर तक लीड करते रहे, अभी भी शायद वही कर रहे हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, मुसलमान डिप्लोमेटिकली भी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, तो आपका क्या ख्याल है भाई साहब, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के जो फोरम है उनकी अहमियत तो ख़त्म हो गई, क्योंकि ओआईसी हमारे लिए तो खड़ी नहीं हुई कश्मीर में, हमने जब इंडिया ने तब्दीलियाँ की थी 5 अगस्त 2019 की, आज वो फलस्तीनियों के लिए भी नहीं खड़े हो रहे, सो इट मीन्स कि इससे जो अरब वर्ल्ड के या मुसलमान दुनिया के अंदर जो पॉपुलेशन है उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी पैदा हो सकती है, दैट कैन लीड टू सम जिसे कहते हैं ना लोन वॉल्फ इंसिडेंट भी हो जाते हैं, जिसका नुकसान हो सकता है कि अगर आपकी लीडरशिप या वो नहीं बोलती, जरा इस पर थोड़ा कोई हमें कमेंट कर। जी मेरा ये ख्याल है चीमा साहब कि ओआईसी कोशिश तो कर रही है इकट्ठे होने की। मैं जद्दा में किसी से बात कर रहा था जो ओआईसी सेशंस को मॉनिटर कर रहा है, उसने कहा कि सऊदीज ने कहा कि हम वर्चुअल मीटिंग कर लेते हैं ताकि पार्टिसिपेशन आसान होगी और जल्दी हो जाएगी, तो फिर ईरानियों ने कहा कि हम फिजिकल मीटिंग अपने यहाँ तेहरान में करने को तैयार हैं। इसी तरह मुझे पता चला कि एक दो और मशरकी एशिया के मुल्क हैं, उन्होंने भी ऑफर की कि हम अपने यहाँ कर सकते हैं, तो ये सिलसिला तो चल रहा है। और अमूमन इस किस्म के जो फैसले हैं वो यकदम नहीं होते, इसमें टाइम लगता है क्योंकि कंसेंसस बिल्ड करना पड़ता है। ये तासुर ज़रूर उससे उभरता है कि आप ले तो लाल से काम ले रहे हैं और अब यहाँ पे मामला फलस्तीनियों की जिंदगियों का है, तो आपको जल्दी इसके ऊपर दिखानी चाहिए थी, अभी तक कोई इजलास हो जाना चाहिए था। ये याद रखिएगा कि ओआईसी और ओआईसी रुकन ममालिक में फ़र्क कीजिए। ओआईसी बतौर तंजीम में तो सब फौरन ही बयानात आ जाते हैं, आए भी हैं, लेकिन जो रुकन ममालिक हैं वो अपने कौमी मफादात को हमेशा से तरजीह देते हैं और वो अभी भी यही कर रहे हैं कि वो ये देखना चाहते हैं कि कहीं जंग का दायरा इतना फैल ना जाए कि वो उनके ऊपर आ जाए। आपने देखा कि उर्दन खुसूसन एक मुश्किल ऑकवर्ड पोजीशन में है क्योंकि उर्दन के अंदर बहुत बड़ी तादाद फलस्तीनी बाशिंदों की है जो वहां रहते हैं, और उर्दन कोई जंग भी शायद नहीं करना चाहता है, और उनका अमरीकियों से भी रबते हैं, कुछ खबरें अमेरिकन बेसिस की भी हैं। तो इसी तरह मिस्र जो है वो भी बज़ाहिर रास्त जंग में से मुलव्वस नहीं होना चाहता, वो यकीनन सिनाए से जो रास्ता आता है गजा की पट्टी को वो उसके ऊपर इसराइलियों के साथ मिलकर आगे काम करना चाहता है। तो मुझे यही लग रहा है कि अभी कोई भी मुल्क जो अरब मुल्क जो है वो इतना बढ़ चढ़ के नहीं लेना चाहता, क्योंकि सबको ये खतरा है कि अगर ये जंग का दायरा फैल गया पूरी अरब दुनिया तक तो बहुत ही मसाइल बढ़ जाएंगे, सारे अपना उससे ये पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि ये सारे ममालिक जो हैं वो खसूसन जो
खलीज के, दी गल्फ के मुमालिक हैं, ये तो अब एक नए रास्ते पर चल निकले थे जिसमें वो चाह रहे थे कि हमारी इक्तसाद जो है वो फॉसिल फ्यूल से हटकर ग्रीन टेक्नोलॉजीज की तरफ चली जाए। वो कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे, वो नए रूट तलाश कर रहे थे, वो अमेरिका के अलावा चीन और रूस से बातचीत की बात कर रहे थे। तो ऐसे में उनका ख्याल ये था कि हमारे कौमी मफाद में इसराइल के साथ दोस्ती करनी शायद हमें सूट करेगी। तो आपने ये देखा कि वो ये एक किस्म का सरप्राइज आया है हमास ने। अब अरब ममालिक शायद ये कह रहे हो, मुझे पता नहीं है, मेरे पास कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो ये सोच सकते हैं कि हमस ने भी तो हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया कि जब वो इतना बड़ा अटैक प्लान कर रहा था कि उसको क्या पता नहीं था उसका बहुत बड़ा रद्दे अमल आएगा और उसके नतीजे में इतने लोग मरेंगे और खाली हॉस्टेज ले लेना ही क्या ये एग्जैक्ट उनकी एग्जिट स्ट्रेटजी थी या क्या थी, ये मुझे नहीं पता कि अरब ममालिक इस वक्त इसको किस तरह देख रहे हैं, लेकिन वो रिलक्टेंस जो नजर आ रही है कि वो बड़ी जंग नहीं देखने चाहते, वो ये जंग का दायरा फैलते हुए नहीं देखना चाहते हैं, तो वो इस वजह से उतना जोशो जज्बे से नहीं कर रहे। बल्कि मुझे जो जोशो जज्बा ज्यादा यूरोप में, अमरीका में, दूसरी जगहों पर अवामुन नास की तरफ से आता नजर आ रहा है, जहां पे बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इस तरह लोगों को मारना फिजाई हमलों से जिस तरह इसराइल उनको हमल कर रहा है, ये बहुत ही इंसानी बशरी हकूक के शदीद खिलाफ वर्जी है, जेनोसाइड है। इस वजह से अभी मेरे ख्याल में काफी काम बाकी है अरबों के लिए भी कि वो एक इसके ऊपर जल्द अज जल्द इकट्ठे हों और इसराइल के साथ जो उनका नए रास्ते खुले हैं वो उनको रोकें, सीज फायर पे ऊपर उनको पूरा जोर लगाएं। इस वक्त सीज फायर के लिए चीन भी कह रहा है, सारे कह रहे हैं, अरबों को अगर कुछ नहीं कर सकते और मुसलमान ममालिक भी कुछ नहीं कर सकते तो सीज फायर के लिए अपने जितने